हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ट्राउजर में डोरी लटका लगाना। इस तरह से जहाँ पर बटन लगते हैं वहाँ पर हम इस तरह से लगा के देखेंगे कैसा लगेगा, ये आप लोग बताना। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमने और एक कपड़ा ले लिया है। अब इसे हम पाइपिंग निकालने के लिए बिल्कुल पतली सी सिलाई लगाएंगे, आधे पैर से भी पतली। और ये इसे निकालने के लिए हमें एक फार्मूला अपनाना होगा पाइपिंग को सीधा करने के लिए। वैसे तो तीली सी कर लेते हैं, लेकिन तीली यहाँ पर काम नहीं करेगी। यहाँ पर हमें सुई से पाइपिंग निकालनी है। दोस्तों, सुई से पाइपिंग कैसे निकालते हैं आज हम सीखेंगे। इसमें इस तरह से हम दबाव काट लेंगे, जितनी पाइपिंग चौड़ी है उतनी दबाव छोड़ना है इसमें। इस तरह से कटिंग कर ली। अब हमने एक ये पाइपिंग निकालने के लिए हमने एक सुई ली और धागा डाली है इसमें। हमने चार बार यानी कि दो बार धागा और लास्ट में गांठ लगा दी एक, और इस तरह से टाका निकाल देना है और सुई को उल्टा करके पकड़ना है इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह से डालना है इस तरह से, और पाइपिंग को इस तरह से बढ़ाते जाना है कपड़े को। इस तरह से, और ये हमारी सुई आ गई है। यहाँ से अब हम सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें जो धागा है उसे पकड़ना है और सुई को एक गई रख देंगे इस तरह से। खींच खींच के हमें पाइपिंग निकाल लेनी है बराबर करते हुए। ये कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसे हम सही से करते जाएंगे और खींचते जाएंगे धागे को इस तरह से, तभी बिल्कुल पतली सी पाइपिंग निकल आएगी। अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। इस तरह से खींच खींच के निकाल लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, पाइपिंग निकल चुकी है हमारी। अब इसे हम बराबर से इस तरह से कपड़े को सीधा करते हुए निकाल लेंगे पूरी पाइपिंग। इस तरह से पाइपिंग निकाल लेंगे हम। ये हमारी पाइपिंग निकल चुकी है। अब इसमें हम लटका लगाएंगे, यहाँ से धागा को कट कर देंगे और रख देंगे सुई को। इसी तरह से हमने दोनों निकाल लिए पाइपिंग। अब इनमें हम चार चार वो लगाएंगे जो हमने बराबर से कपड़े कट कर लिए हैं। एक ही साइज होना चाहिए सबका, तभी एक ही से लटके रहेंगे। और यहाँ पर हम अंदाज से दो दो उंगल निशान लगा लेंगे। हम नाप के हिसाब से भी लगा सकते हैं, डेढ़ इंच या दो इंच कितना भी रखना चाहे उतना रख सकते हैं। दोनों को निशान बराबर रखते हैं, दोनों निशानों को, और इस तरह से होल्ड करेंगे यहाँ पर। जैसे अपने डोरी बनाई थी उसी तरह से हम इसमें भी फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे। इस तरह से लगाते जाएंगे। दो ही दो लगाएंगे इसमें, हम ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि नीचे मोरी पे लग रहा है ये डिजाइन, तो इसमें लंबाई ज़्यादा नहीं रखेंगे, दो ही कमोरे लगाएंगे केवल। इस तरह से हम ये डिजाइन बना लेंगे और बनाने के बाद मोरी में अटैच करेंगे। इन्हें सीधा करेंगे।
इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। और ये एक पैचे की है तो दूसरे पैचे को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, दोनों पैचे को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें अटैच कर देंगे, मोरी पर अटैच करेंगे। जिस साइड पे खुला रहता है मोरी पे, यहाँ पर बटन लगते हैं, वहीं पर हम ये लगाएंगे। इस तरह से पहले हम मशीन से टाका लगा देंगे, बाद में सुई से। यहाँ पर हमें ये डोरी जो बढ़ती निकली हुई है, इसे हम इकट्ठा करके सुई से टाक देंगे इस तरह से हमें टाक दिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो या ट्रिक